नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं खबरें ताबड़तोड़, आपके साथ मैं लवी गुंबर, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। हरदोई के महिला थाने के सामने अंगूठी और घड़ी को लेकर जमकर हुई मारपीट, ससुराल और मायके पक्ष के लोगों में जमकर हुई हाथापाई। शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था थाने। थाने से निकलने के बाद घड़ी अंगूठी की को लेकर बिगड़ गई बात। शामली में बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए दो युवा। घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। पूछताछ के दौरान मौके से भागने लगे चोर। राहगीरों की मदद से बाइक मालिक ने दौड़ाकर दोनों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के टंकी रोड का मामला। मैनपुरी में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान महिला टीचर को किया गिरफ्तार। 315 बोर के देसी तमंचे के साथ पकड़ी गई महिला टीचर। महिला पुलिस ने शक होने पर ली थी तलाशी। शिक्षिका को पूछताछ के लिए थाने कोतवाली ले गई पुलिस। कानपुर में डीएवी इंटर कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में मारपीट। हाई स्कूल का पेपर देने आए छात्रों में चले बेल्ट, बीच सड़क पर होता रहा झगड़ा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बाराबंकी जिले में आसमान छू रहे नींबू के भाव को लेकर सब्जी दुकानदारों की बढ़ी चिंता। 300 रुपए किलो तक बिक रहे नींबू की डंडा लेकर रखवाली करते दिख रहा सब्जी विक्रेता। जबरन कम पैसे देकर नींबू उठाने वालों और चोरों से कर रहा रखवाली। झांसी के बबीना टोल प्लाजा पर टोल फीस मांगना टोल कर्मचारी को महंगा पड़ा। टोल मांगने के बाद दबंगों ने बदमाश से गुस्से में टोल मारपीट की और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं। मथुरा में बलदेव रमन व्रेती के पास बस और मोटरसाइकिल की हुई जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। घायलों का चल रहा इलाज। एक युवक की उपचार के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर। एमएलसी में चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत। एमएलसी चुनाव में सपा का नई खुला खाता। यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने रचा इतिहास। विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। 40 साल के बाद विधान परिषद में बनी ऐसी स्थिति। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद चुनाव में भी अखिलेश यादव को शिकस्त। 36 में से एक भी सीट पर सपा के प्रत्याशियों को नहीं मिली जीत। भाजपा के जीते उम्मीदवार धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत का श्रेय का पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया। इस दौरान उनसे उनके पिता के बारे में पूछा गया तो वो भावुक हो गए। गोंडा बलरामपुर सीट से भाजपा के अवधेश कुमार सिंह जीते। भाजपा के अवधेश कुमार सिंह ने सपा के भानु कुमार को दी करारी शिकस्त। भाजपा को मिले 4572 वोट जबकि सपा के खाते में आए सिर्फ 171 वोट। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने हासिल की जीत। अक्षय प्रताप सिंह को मिले 1720 वोट। भाजपा के हरि प्रताप सिंह के खाते में आए 314 वोट। जीत के बाद एबीपी गंगा से बोले अक्षय प्रताप, कहा जनसत्ता दल का मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता। प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह की जीत के जश्न में डूबे जनसत्ता दल के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। राजा भैया भी कार्यालय में थे मौजूद। शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से एमएलसी चुनाव जीते भाजपा के डॉक्टर सुधीर गुप्ता। चुनाव जीतने के बाद कहा जनता के बीच जाकर जनता का करेंगे काम। सुधीर गुप्ता ने सपा प्रत्याशी अमित यादव उर्फ रिंकू को 3365 वोटों से हराया। सुल्तानपुर अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को 2480 वोट से जीत मिली। सपा के शिल्पा प्रजापति को 11 वोट से शिकस्त दी। शैलेंद्र सिंह की जीत की खबर मिलते ही आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीतापुर से एमएलसी निर्वाचित होने के बाद भाजपा के पवन कुमार सिंह ने निकाली विजय यात्रा। रथ पर सवार होकर पहुंचे मतगणना स्थल। सदर तहसील से सीधे भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे पवन सिंह चौहान ने सभी का जताया आभार। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर खिला कमल। भाजपा के सीपी चंद ने 4432 वोट के अंतर से जीत हासिल की। सीपी चंद को मिले 4839 वोट। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 वोट पर करना पड़ा संतोष। यूपी एमएलसी चुनाव में गाजीपुर से भाजपा ने लहराया परचम। भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते चुनाव। सपा के भोलानाथ शुक्ला को दी करारी शिकस्त।
अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर भी खिला कमल, 2712 वोट पाकर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने जीत दर्ज की, सपा प्रत्याशी को 1044 वोट मिले। एमएलसी चुनाव में सीतापुर से भाजपा के पवन कुमार सिंह ने बनाया इतिहास, सपा के अरुणेश यादव को 61 वोटों पर समेटा, पवन कुमार सिंह ने हासिल किए सबसे ज्यादा 3662 वोट, माला पहनकर समर्थक दे रहे जीत की बधाई। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत ऋषु की जीत, भाजपा से निष्कासित यशवंत के बेटे हैं विक्रांत, भाजपा के प्रत्याशी अरुण कांत यादव की हुई हार। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा भाजपा नेताओं ने नहीं दिया साथ, जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख थे वहीं मुझे नहीं मिला वोट। सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव में नव निर्वाचित सभी सदस्यों को दी बधाई, ट्वीट कर एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत ने किया स्पष्ट, पीएम ने भी कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता राष्ट्रवाद विकास और सुशासन के साथ। एमएलसी चुनाव में मेरठ गाजियाबाद से भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज ने हासिल की जीत, धर्मेंद्र भारद्वाज को मिले 3708 वोट, आरएलडी के सुनील कुमार को 250 वोट ही मिले। एमएलसी चुनाव में आगरा फिरोजाबाद से बीजेपी की बड़ी जीत, भाजपा के विजय शिवहरे ने सपा के दिलीप यादव को 3266 वोट से शिकस्त दी, सपा के दिलीप यादव को मिले सिर्फ 205 वोट, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय शिवहरे को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। गोरखपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच अलग तस्वीर आई सामने, मतगणना स्थल पर एक साथ कंधे पर हाथ रखकर बैठे दिखे भाजपा और सपा के एमएलसी प्रत्याशी सीपी चंद और रजनीश यादव। गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला, एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत की खुशी में झूमते नाचते दिखाई दिए बीजेपी समर्थक। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू की बड़ी जीत, सपा के प्रत्याशी मनोज यादव को 2300 से अधिक वोटों से हराया। जौनपुर में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल, फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खेली होली, ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू की जीत पर जमकर थिरके समर्थक। एमएलसी चुनाव में लखनऊ उन्नाव सीट पर भाजपा की विजय, भाजपा के रामचंद्र प्रधान जीते चुनाव, मिले 3488 वोट, सपा के सुनील साजन को मिले सिर्फ 400 वोट। फतेहपुर में भी ढोल की थाप पर थिरके पार्टी के कार्यकर्ता, डीएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। रायबरेली में भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने मारी बाजी, जीत की हैट्रिक लगाई, तीसरी बार जीते एमएलसी का चुनाव, सपा के शंकर सिंह यादव को एमएलसी चुनाव में दीप पटकनी, दिनेश प्रताप सिंह को बधाई देने पहुंच रहे समर्थक। एमएलसी चुनाव में बहराइच से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत दर्ज की, सपा प्रत्याशी अमर यादव को 3188 वोट से मात दी, प्रज्ञा त्रिपाठी को मिले 3419 वोट, जबकि सपा प्रत्याशी को 231 वोट से संतोष करना पड़ा। एमएलसी चुनाव में प्रचंड जीत मिलने पर जौनपुर में जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता, एक दूसरे को रंग लगाकर जाहिर की अपनी खुशी, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचे भाजपा कार्यकर्ता। प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया ने पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को जीत की बधाई दी, अक्षय प्रताप सिंह की जीत जनता की जीत बताई। वाराणसी सीट से बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई, पीएम मोदी और सीएम योगी को उन्होंने जीत का श्रेय दिया। वाराणसी की एमएलसी सीट से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल के चुनाव में हार हुई, बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने हराया, सुदामा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भीतरघात की वजह से उन्हें हार मिली। अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश, अधिकारियों कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने के निर्देश, किसी भी कार्यालय में लंच टाइम आधे घंटे से ज्यादा ना हो, लंच के समय से सभी कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचे।
यूपी को जल्द मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों के निर्देश दिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के काम में और तेजी लाने के दिए निर्देश। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे नर्सिंग कॉलेजेस पर गिरेगी गाज। सीएम योगी ने बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर के शिकायतें मिली थी। मिर्जापुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अचानक रोडवेज बस स्टेशन का किया निरीक्षण। इस दौरान परिवहन मंत्री बस के अंदर पहुंच गए और यात्रियों से भी बातचीत की। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी की टीम की रेड। कानपुर और लखनऊ में भी जीएसटी की टीम की रेड। सूत्रों के हवाले से खबर, जीएसटी टीम को भारी मात्रा में मिला कैश। पिछले 16 घंटे से ठिकानों पर चल रही है कार्रवाई। घर के बाहर किसी भी सदस्य के निकलने की पाबंदी। मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद नहीं कराया गया था कॉलोनियों का नियमितीकरण। नियमितीकरण न कराने के बाद कार्रवाई। नजीबाबाद के समीपुर में बिना कागज के अवैध रूप से जमीन पर प्लॉटिंग करने के मामले में प्रशासन ने की कार्रवाई। भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर, प्लॉटिंग की बाउंड्री को गिराया। कासगंज की तहसील पटियाली के गंगा किनारे इलाके में 50 बीघा सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। दबंगों ने कई गांव में सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। जमीन पर उगा दी थी गेहूं की फसल। एसडीएम ने बताया गेहूं की कटी हुई फसल की होगी नीलामी, आरोपियों पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में गर्जा बुलडोजर। खेतलपुर भसौली में 3 बीघा, खुर्जा रोड पर 7 बीघा, गवेरू नगर के पास लगभग 5 बीघा भूमि पर बनाई गई अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया गया। नोएडा के सेक्टर 40 में एक निजी स्कूल में फूटा कोरोना बम। 13 छात्र और 3 टीचर मिले कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों में दहशत का माहौल। देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 मामले सामने आए। इस दौरान 946 लोग डिस्चार्ज हुए, 19 लोगों की जान गई। कुल पॉजिटिविटी रेट 0.20%, सिर्फ 10,889 एक्टिव मामले बचे। अमेठी में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या। सुबह ही हत्यारों ने छात्र को स्कूल आने जाने पर मारने की दी थी धमकी। 2 दिन पहले छात्र का दूसरे गांव के युवक से हुआ था विवाद। कानपुर में पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा। छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब से हमले की धमकी देने का आरोप है। छात्रा को अश्लील मैसेजेस भी भेज रहा था आरोपी। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर तमंचा और रिवॉल्वर के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा महंगा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से देसी रिवॉल्वर और 2 तमंचे बरामद। बलिया में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। डीसीएम गाड़ी से 194 किलो गांजा बरामद किया गया। डीसीएम में गांजा लाद कर ले जा रहे थे, तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। कानपुर में पुलिस ने दरोगा के बेटे की हत्या का किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। महिला से प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। वारदात में इस्तेमाल शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10वें लॉकर से भी 35 लाख के गहने चोरी हो गए। जांच के बीच नया मामला सामने आने के बाद हड़कंप। 5 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। सेंट्रल बैंक का आरोपी मैनेजर रामप्रसाद सस्पेंड। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में गर्रा पुल के पास 2 बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 1 मासूम समेत 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। बदायूं में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। परिजनों ने सड़क जाम कर लगाया पुलिस पर पथराव। वजीरगंज एसओ के महिला से बदसलूकी करने पर भीड़ ने तोड़ दी उनकी गाड़ी। साइकिल सवार युवक को कैंटर ने रौंदा था। मऊ में महिला ने 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी खाया जहर। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना घोसी के कुड़हनी गांव का मामला। बच्चों की हालत स्थिर लेकिन महिला की हालत नाजुक। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने और घरों को जद में लिया। घरों में रखा गृहस्थी का सामान जला। गैस सिलेंडर भी आग के लगने से फटे। सैदपुर गांव का मामला।
कोटद्वार में बाइक सवार युवक ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर हुई महिला की मौत। सीसीटीवी में कैद हादसे का वीडियो, तेज रफ्तार था बाइक सवार, हादसे के बाद फरार हो गया आरोपी। मानपुर क्षेत्र की घटना। लखनऊ में सीएसआईआर में तैनात महिला अधिकारी का शव कार में मिलने से सनसनी। आरोप है कि पड़ोस की कार से महिला को अस्पताल ले गया था पति, कार में ही शव छोड़कर हुआ फरार। आरोपी पति की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम गठित। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट में लगी आग, बाथरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से घर में फैला धुआं ही धुआं, धुएं के कारण दम घुटने से 2 साल के बच्चे की मौत। मथुरा किराए इलाका में कटरा बाजार की 3 मंजिला दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड, स्थानीय जनता, पुलिसकर्मी आग बुझाने में जुटे थे। जौनपुर के जेसीस चौराहा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। बगल में रखा बैंक का जनरेटर भी आग की चपेट में आया, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जोलीग्रांट एयरपोर्ट में भर्ती में धांधली और धोखाधड़ी की अथॉरिटी ने दी जानकारी। एयरपोर्ट भर्ती के नाम पर पैसा वसूलने की बात सामने आई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा जालसाजों के चक्कर में ना आए। पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 जेसीबी को किया सीज, दोनों जेसीबी के नंबर प्लेट में लिखे थे एक ही नाम, एक ही नंबर प्लेट फर्जी पाए जाने पर जेसीबी मालिक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में डीसीएमआरसी से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन, ट्रेन की पटरी पर लेट कर दिया धरना, ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। भारी पुलिस फोर्स मौके पर, दादरी के बोडाकी गांव का मामला। AICTE ने सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को लिखा खत, यूक्रेन से वापस लौटे स्टूडेंट्स की खाली सीटों पर एडमिशन देने को कहा। 20,000 के करीब मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौटे वापस। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया मिशन 2024 का मंत्र, सूत्रों से मिली जानकारी। भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश। महिला, युवा, दलित, पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात कही। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज, 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक चलेगी यात्रा और इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स के बीच घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को भी गिरावट के साथ दर्ज हुआ, जहां 388 अंकों की गिरावट के साथ 58,576 के स्तर पर क्लोज हुआ सेंसेक्स। वहीं 145 अंक गिर करके 17,530 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में आई तेजी, 135 रुपए की तेजी के साथ 52,645 रुपए पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 478 रुपए की बढ़त के साथ 68,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। उर्फी जावेद के नए वीडियो में नए लुक से सरप्राइज किया है फैंस को, जहां नई ड्रेस अनोखी है, शायद ही कभी आपने देखी हो, क्योंकि सेफ्टी पिन से ये ड्रेस बनाई है उर्फी ने, जिसे लेकर यूजर्स के निशाने पर आई हैं, काफी ट्रोल की जा रही हैं उर्फी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी तस्वीरों और वीडियोस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अमीषा ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है अपने फैंस के साथ, जिसमें वो बिकनी में पोज देती नजर आ रही है। अमीषा फिलहाल गदर एक प्रेम कथा 2 की शूटिंग कर रही है। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही फैशन डीवा बन चुकी हैं। हाल ही में अपने फ्रेंड का 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, दोस्तों के साथ शनाया ने पूल पार्टी की, पिक्चर्स इंस्टा पर शेयर की। शनाया करण जौहर की प्रोडक्शन में बनने वाली अपकमिंग फिल्म से डेब्यू करने जा रही हैं, इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। हॉलीवुड पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स तीसरी बार मां बनने वाली हैं। उन्होंने सोमवार को अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। 40 साल की ब्रिटनी पहले से ही 2 बच्चों की मां है, अब अपने मंगेतर सैम के साथ सिंगर का यह पहला बेबी होगा।
पलक ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में कई पिक्चर्स पोस्ट की हैं। पिक्चर्स में पलक तिवारी चॉकलेटी वन पीस में दिख रही हैं। पलक के लुक को देखकर फैंस ने कहा, अब बिजली का करंट हुआ। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी लाल रंग की चमचमाती कार नजर आ रही है। ये लग्जूरियस कार उन्हें गिफ्ट में मिली है। फरवरी महीने में राखी सावंत एक लग्जरी कार शोरूम के बाहर स्पॉट की गई थी, लेकिन तब वो गाड़ी इसलिए नहीं खरीद पाई क्योंकि उनके पास नई गाड़ी खरीदने के लिए 60 लाख रुपए नहीं थे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया रणबीर कपूर के घर के बाहर का बताया जा रहा है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए हुए कपड़े दिख रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये कपड़े रणबीर और आलिया के हैं। वहीं आलिया रणबीर की शादी का सवाल सुनकर भड़क उठी उनकी मां नीतू कपूर। डांस दीवाने जूनियर की शूटिंग के सेट से निकली नीतू कपूर ने पपराजी को देखा और कहा, इस पर सवाल बिल्कुल मत पूछना। एक्टर ईशान खट्टर जल्द ही फिल्म पिप्पा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। युद्ध पर आधारित इस फिल्म को लेकर सोमवार को बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म रणवीर 34 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हो गया। ट्रेलर में पायलट विक्रांत खन्ना उर्फ अजय देवगन को दुविधा में लड़ते हुए दिखाया गया है और फिल्म का यह दूसरा ट्रेलर 11 अप्रैल को दिल्ली में रिलीज किया गया। होली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की गई अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे अब जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। प्राइम वीडियोज ने सोमवार को अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी बेस्ड फिल्म की स्पेशल स्ट्रीमिंग प्रीमियर की घोषणा की है। बच्चन पांडे को भारत और दुनिया भर के 240 देशों में 15 अप्रैल को स्ट्रीम किया जाएगा। साल 2022 में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, जिनमें कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ भी शामिल है। कंगना रनौत की इस फिल्म का दमदार टीजर भी रिलीज होने के लिए तैयार है। कंगना का ये टीजर आज 12 अप्रैल को रिलीज हुआ।